आज कुछ चीज़ वाली आइटम खाने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो बाहर जाते हैं और कोई चीज़ वाली अच्छी आइटम खाते हैं। और याद आया कि भाई चारभुजा वाले भाई साहब जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई आप अगर अगली बार आते हो तो हमारी जो स्पेशल चीज़ सैंडविच है वो एक बार ट्राई कीजिए। तो सोचा कि चलो वहीं चला जाता हूँ और ट्राई कर लेते हैं आज उनकी चीज़ वाली सैंडविच, स्पेशल चीज़ सैंडविच, देखते हैं कैसी आती है। है चार भुजा सैंडविच और आज बनने जा रही है चार भुजा स्पेशल। बना के दिखाओ भाई साहब। ये बहुत शर्माता नहीं आएगा भाई साहब। आप बहुत ये भाई साहब बहुत शर्माते, देख लो शर्माते। ये भाई साहब ने कट किया ऑनियन, क्या क्या पड़ेगा इसके अंदर तो बताओ। ऑनियन, फिर क्या आएगा? हाँ, मायोनीज, कैप्सिकम और चीज, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, अच्छा ग्रीन चटनी, मतलब सब कुछ एकदम लोडेड रहता है। लोडेड रहता है एकदम, मतलब एकदम फुल भरा हुआ। ये आ गया कैप्सिकम, अरे भाई साहब आपका नाम तो बता दो। क्या नाम? भैरव सिंह। उनका नाम भैरव सिंह है। अरे भाई साहब बड़े शर्मा थे यार। कौन सा मसाला है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, देख लो भाई साहब ने खट्टा मीठा मसाला भी डाल दिया, पता नहीं और क्या क्या पड़ेगा अंदर। भाई साहब हरी मिर्ची भी जाएगी, मतलब एकदम चटकेदार बनेगा। एक बार खाओ, दौड़ के आओगे। दौड़ के आएंगे, दौड़ के आओगे। ये भाई साहब बोल रहे हैं एक बार खाओगे दौड़ के आओगे। चलिए देखते हैं, खा के देख लेते। आप लोगों को भी एड्रेस पता ही है, भुजंगदेव चार रास्ता, भुजंगदेव क्रॉस रोड, घाटलोडिया। आपको कॉर्नर पे दुकान मिल जाएगी। आप किसी को भी कॉर्नर पे अगर चार रास्ता पे अगर आके पूछोगे कि भाई चार भुजा सैंडविच, तो कोई भी बता देगा वहाँ पे खड़े खड़े। अच्छा मायोनीज डाल दिया आपने? हाँ। और अभी चीज़ पड़ रहा है बिल्कुल। भाई साहब चीज तो यहाँ गुजरात में चीज लोग भर भर के डालते हैं, खाते ही दबा के। दिल बड़ा होता है मारवाड़ियों का। मारवाड़ियों का गुजरातियों का पेट ज्यादा बड़ा होता है? मारवाड़ी का दिल बड़ा होता है, गुजराती का पेट बड़ा होता है। अच्छा मारवाड़ी का नहीं होता, आपका भी पेट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका तो फिर भी सही है। मिक्स कर दिया भाई साहब ने, तो आपने पूरा भील की तरह इसको हिला के रख दिया। मिक्स किया, अभी ये क्या डाला? अच्छा अभी आपने ग्रिलर ऑन किया, अभी इसको टोस्ट करो पहले। 120 मिनट को टोस्ट करेंगे थोड़ा। अच्छा ऐसा है, टोस्ट कैसे होगा? अच्छा मतलब टोस्ट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। बीच वाली टोस्ट नहीं होगी तो कच्ची रह जाएगी थोड़ी। अच्छा बीच वाली, वो बात सही है आपकी। नहीं तो लोग क्या करते, दूसरे लोग क्या करते हैं कि भाई थ्री लेयर पहले से ही बना के रख देते हैं, उसके बाद में उसको ग्रिलर पर डालते हैं, तो बीच वाली जो ब्रेड होती है वो कच्ची रह जाती है, उसका मतलब ऐसा हुआ ना? कच्ची रह जाती है। हाँ ये डाल दिया स्टफिंग, देखो ये ब्रेड के ऊपर स्टफिंग डाल रहे हैं अभी। बीच वाली ब्रेड तैयार हो गई तैयार। अभी पड़ गई ग्रीन चिली, ग्रीन चिली की चटनी है। क्या क्या चटनी के, चटनी में क्या क्या रहता है? मिर्ची, कोथमीर, तल, शक्कर, नींबू का फूल। अच्छा पुदीना नहीं डालते? पुदीना, पुदीना नहीं डालते। तो बाकी लोग तो पुदीना डालते हैं इसके अंदर, आपने? हमारे नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा ऐसा होता है ना, किसी किसी को पसंद नहीं आता है पुदीना। ब्रेड पे बटर डाल दिया अभी, दो पांच मिनट हो जाए। ग्रिलर एकदम गर्म हो गया और ये रख दी सैंडविच ग्रिलर के ऊपर। अरे भाई साहब आपने बटर तो बड़ा भर भर के डाला है, खाने वाला तो कुछ होना चाहिए। आधा सीख गया है। लो जी हो गया तैयार। अब इसको कटिंग वटिंग करेंगे, क्या क्या करोगे इस कटिंग और क्या करोगे? अच्छा इसके बाद सोसेबाजी होगी थोड़ी, इसकी सजाएंगे इसको दुल्हन की तरह। दुल्हन की तरह सजाओगे, क्या बात है। वैसे लग तो वैसे भी दुल्हन जैसी ही रही है। क्या क्या डालते हो वो भी बताना। और भाई साहब आप लोग कमेंट में बताना कि भाई आपको ये सैंडविच कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है, टेस्ट करके तो मैं बताऊंगा ही। एक बार खाने के बाद आदमी का पेट भर जाता है। अच्छा गारंटी दे रहे हो? आओ ये खाया पेट भर ही जाएगा। ये तंदूरी, तंदूरी, ओहो भाई साहब तंदूरी।
ये आ गई मायोनीज। और क्या क्या डालोगे भाई साहब? ठीक है, चिली टिक्की थोड़ी। सेजवान है? सेजवान नहीं, सेजवान नहीं है। सेजवान नहीं है क्या? है थाउजेंड। थाउजेंड? अरे बाप रे, ये तो नाम मैंने पहली बार सुना थाउजेंड। ये ना, हाँ हाँ हाँ, थाउजेंड आइलैंड। थोड़ा चटेंगे खट्टा मीठा मसाला। ये आपका स्पेशल मसाला खुद ही बनाते हो? नहीं, बनाता। अच्छा, रेगुलर है, मतलब चाट मसाला टाइप है। और ये आ गया चीज़। भाई चीज़ में तो कोई कमी नहीं रखी है इसके अंदर आपने। लो जी, चलो सैंडविच हो गई तैयार और पैक भी हो गई है। अभी लेके चलेंगे इसको घर पे और घर पे जाके खाएंगे इसको, फिर बात आपको बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे सैंडविच। हाँ भाई साहब, वहाँ पे खाने की मर्जी नहीं थी, घर पे ला के खाने की इच्छा थी, क्योंकि घर वालों को भी खिला नहीं थी सैंडविच। और चार भुजा स्पेशल, चलो टेस्ट करके बताते कैसी है। वैसे भाई साहब दिख तो रही एकदम लोडेड, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी छक्के बताते हैं, चलो। अरे वाह, फर्स्ट बाइट, छक्के बताता हूँ कैसी है। पूरा मैशी मैशी हो गया। चार बजे जाइए और सैंडविच खाइए ये वाली, अब याद रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसी और चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, घंटी बटन साथ में दबाई देना। और भाई साहब मज़ा आ गया।